सबसे पहले मैं जेएनयू के साथियों को यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए बधाई देता हूँ। खासतौर पर उमर भाई ने हमें कॉल किया। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पूरा जो पूरा आंदोलन चला और आज़ादी स्क्वायर जिसका आप लोगों ने नाम दिया, और ख़ास तौर पर हमारा मानना है कि आज़ादी कोई विकास का एजेंडा सिर्फ उसमें नहीं है। आज़ादी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। दूसरे कि जिस तरीके से यहाँ पर 24 दिन से नजीब भाई के लिए जो आंदोलन चल रहा है और सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है, बहुत सारी रूलिंग पार्टीज इस पर लगातार बात कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई भी आज तक नहीं मालूम चल रहा है, एक बड़ा सवाल है कि आखिर नजीब कहाँ हैं। मैं एक दिन जब उत्तर प्रदेश में लगातार कई जिलों में दंगे हो रहे थे, उसी व्यस्तता में रात में मैं नजीब गूगल पर टाइप किया और इसी फ्रीडम स्क्वायर पर वहाँ पर उनकी बहन की एक स्पीच सुना यूट्यूब पे और उनकी माँ का यहाँ पर, और जिस तरीके से इस बात को उन्होंने कहा कि नजीब की वो कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन बता नहीं रहा है, और जिस तरीके से प्रशासन कह रहा था कि नजीब के बारे में वो नहीं जानते हैं, तो इस बात का एकदम साफ साफ समझा जा सकता है कि कोई भी स्थिति में नजीब हो या फिर कोई भी मुसलमान अगर इस वक्त गायब होता है, जो स्थितियां गायब होती हैं, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको किस भावनाओं में फंसाया जाता है, कैसे मार दिया जाता है, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में जो इनकाउंटर हुआ, उस मध्य प्रदेश में जो इनकाउंटर हुआ, जाकिर एक लड़का जो मारा गया उस इनकाउंटर में, इनकाउंटर के बाद जब उनके पिता बदरुल साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो इस बात को कह रहे थे कि हमने आपको 2 महीने पहले कॉल किया था, आप लोग से बात किया था कि स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं। हमें बहुत दुख हुआ कि आज एक ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए। ठीक इसी तरह से जब 2012 में मई में कतील सिद्दकी के फादर से हमारी दरभंगा में मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और कतील सिद्दकी को उसके परिवार लगातार आईएमई के टेस्ट में है और उसके बाद यरवदा जेल में मार दिया जाता है कतील सिद्दकी को, और ठीक इसी तरह से वारंगल में हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का जाकिर जो बंद था, जिसका इनकाउंटर हुआ वारंगल में, इनकाउंटर से पहले उनके परिवार ने इस बात को कहा कि जिस तरीके से जेल से शिफ्ट किया जा रहा है और शिफ्ट करने के दौरान जितनी दूरी बनाई जा रही है और उस दूरी में लोग मार देना चाहते हैं, कोर्ट में ये एफिडेविट दिया गया, ये घटना है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं, जो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात को कह रही हैं कि वो लोग वहां पर सरेंडर कर रहे थे और सरेंडर कर रहे थे, उनको सरेंडर कर देना चाहिए था, ये एकदम मामले को बदलने का ढंग है। हमारा साफ साफ कहना है कि उनको वहां से उस जेल से निकाला गया था और उनको तैयार किया गया था, और ऐसा होता है जो लोग भी टेरर पर तमाम इश्यूज पे काम करते हैं, उन लोग को अगर देखते हैं तो आप जब जेल से शिफ्ट किया जाता है तो इस बात को कहा जाता है कि आप अपना सब कपड़ा पहन लीजिए, घड़ी बेल्ट जो भी पहन लीजिए, जब जाएंगे दूसरे जेल में तो वहां पर आपको फिर से वहां पर वो दे देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से इस घटना पर भी होता है, उसी जेल में बंद और कई भी लड़कों की बहनों से, माँ से मेरी बात हुई, उन लोगों ने इस बात को बताया
कि उस दिन भी यही बात हुई, लेकिन जिस तरीके से मामले को, मध्य प्रदेश के मामले को, इस बात को कहा जा रहा है कि उनको वहां से भागे थे और भागने के बाद सरेंडर कर रहे थे और सरेंडर करने के दौरान मारे गए, तो इस बात का कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो जेल जहां पर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं है और तमाम सवाल ऐसे उभर रहे हैं, हमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हम जानते थे पहले भी नहीं मिलेंगे, हम तमाम चीजें जानते हैं, क्योंकि यरवदा जेल में जब कथित सिद्दीकी की हत्या हुई थी तब भी कहा गया कि चाय वाले ने मार दिया, ठीक इसी तरह से जब खालिद मुजाहिद की हत्या हुई तो उसके बाद इस बात को कहा गया कि खालिद मुजाहिद को रास्ते में ले जाते वक्त उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जिस तरीके से जेलों में बंद लोगों को मारा जा रहा है उसके पीछे एक स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसके साथ, वो इस बात को कहना चाह रहा है कि अगर आप इसकी लड़ाई लड़ोगे तो अगर वो छूटते हैं तो उसके बाद छूटने के बाद भी हम उसको इस बात का मौका नहीं देंगे कि वह बात सामने आए और इंडियन स्टेट का पूरा जो टेरर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आए, इसलिए वो लोग बार बार कत्ल कर दिए जा रहे हैं। साथियों, अभी बात यहां पर सिमी पर हो रही थी, सिमी के लोग के नाम पे मारा गया, लेकिन आप लोग उन जो लड़के बंद है उनको आप उनके उम्र देखिए तो उनकी उम्र मुश्किल से 24-25, जब लोग अरेस्टिंग हुई थी 24-25 साल के थे, लेकिन जो लोग सिमी के बारे में जानते हैं 30 साल उसके उसकी पूरी उम्र होती, 30 साल के बाद वो उनकी खत्म हो जाती है उसमें से उनकी मेंबरशिप, तो आखिर में और साहिद बदर फलाही जो सिमी के प्रेसिडेंट थे एक सुनो ने भी इस बात को कहा है कि वो लोग नहीं थे। सिमी इस देश का पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने प्रतिबंध के 10 साल पूरे किए और वो कोर्ट में इस बात के लिए फाइट कर रहा है। खैर, ये पूरी बात इस बात पे आती है कि जिस तरीके से इनकाउंटर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और वो इनकाउंटर पॉलिटिक्स जिस तरीके से पूरे देश में खेली जा रही है उसके सिर्फ और सिर्फ कोई मोदी का गुजरात ही मॉडल नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से जो लोग इस बात को कहते हैं कि गुजरात दंगे के बाद ही मोदी को फायदा हुआ, तो इस बात का भी एक डाटा है कि गुजरात मौके बाद जब मोदी दंगे के बाद जब जिला पंचायत के वहां चुनाव हुए तो मोदी भाजपा को वहां पर भारी शिकस्त मिली, लेकिन जब अक्षरधाम हुआ, जब इशरत जहां हुआ, जब सादिक जमाल मेहतर का हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो टेरर पॉलिटिक्स हुई उसने बहुसंख्यक आवाम में जो डर पैदा किया कि ये मोदी इस तरह से सबक सिखा सकता है, तो उस सबक सिखाने की जो टेरर पॉलिटिक्स हुई, जो 9/11 के बाद की टेरर पॉलिटिक्स जिसको भारत ने एडॉप्ट किया, उस टेरर पॉलिटिक्स में पूरी जहां की फांसीवादी पॉलिटिक्स को इस बात के समझ में आ गया कि फांसीवादी पॉलिटिक्स ऐसे ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन करा सकती है। ठीक इसी तरह से अगर आप देखिए इसी टेरर पॉलिटिक्स के तहत जब जो लोग कहते हैं कि मुलायम की गवर्नमेंट, मैं यूपी से आता हूं, आजमगढ़ से आता हूं, कि मुलायम की गवर्नमेंट, मायावती की गवर्नमेंट, अखिलेश की गवर्नमेंट, तो मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में याद करिए कि जब संकट मोचन होता है उसके बाद मुलायम सिंह की यादव की गवर्नमेंट में 17 गिरफ्तारियां उसके बाद होती हैं। ठीक इसी तरीके से जब मायावती गवर्नमेंट में 41 गिरफ्तारियां होती हैं और अब तक अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं यूपी से। साथियों, इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि जब मायावती की गवर्नमेंट 2012 में बनती है तो मायावती इस बात पे होता है कि वो भी वही एनकाउंटर पॉलिटिक्स शुरू करती हैं और आजमगढ़ से तारिक कासमी और मरियाओं से खालिद मुजाहिद का उठा लिया जाता है, लेकिन उस समय जो पूरा गुजरात में जो संघर्ष चल रहा था, हमारे बीच में मुकुल सिन्हा जी नहीं रहे, उन लोगों के संघर्षों को हम लोग हिंदू जनसत्ता और तमाम इस तरह की जो तमाम पेपर है प्रोग्रेसिव है उसके द्वारा पढ़ते हुए हम लोगों ने इस बात को फापा कि ये पॉलिटिक्स जो गुजरात की पॉलिटिक्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि 2005 में हम लोग उस समय बीए में पढ़ते थे, युवा थे, मऊ दंगे के बाद
एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 2005 से मऊ दंगे के से लेकर 2007 तक उनके साथ लगातार उसके साथ घूमना रहा। उस समय याद करिए कि वही दौर था कि जब नेपाल में जनक्रांति हो रही थी, नेपाल में तख्ता पलट हो रहा था और 2007 में ही गोरखपुर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में बहुत सारी हिंदू राष्ट्र को फिर से स्थापित करने के लिए भी एक डिमांड चली और बहुत सारे एक डॉक्टर का नाम राकेश जिसका नाम दिल्ली के रहने वाले थे और हिमानी सावरकर से लेकर तमाम लोग वहां पर उन मीटिंगों में गए। एक पूरी एक नेक्सस रचा जा रहा था कि किस तरह से और हेमंत करकरे के खुलासों के मुताबिक भी जो पूरा ये लोग थे गंगा के मैदानी भागों को अपने युद्ध की स्थली बनाना चाहते थे। तो साथियों जब ये पूरा दौर चल रहा था उसी समय मायावती गवर्नमेंट में भी जब तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी को लेकर आजमगढ़ में जब आंदोलन शुरू हुआ तो 23 दिसंबर को दो कश्मीरी नौजवानों को चिनहट में इस बात के लिए मार दिया गया कि मायावती को ये लोग मारने के लिए आ रहे थे। ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी के नाम पर एक इनकाउंटर हुआ यूपी में अगस्त में और उस इनकाउंटर में बताया गया पकड़े गए लड़के और बताया गया कि वो लोग राहुल गांधी को मारने के लिए आए। उसमें अभी एक नया खुलासा आया है कि जब 30 जुलाई को एक फैसला आया और 30 जुलाई को जो फैसला आया तो फैसला आने के बाद एक मेरठ के परिवार ने एक दलित परिवार ने उस फोटो को देखा जो फाइल फोटो देखा उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो फोटो दिख रहा है ये फोटो तो मेरे बेटे से मिलता है। वो लोग हमारे पास आए और हम लोगों ने जब इस बात को कहा कि आप इनको मिलवाइए तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं मिलवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब लोग वहां पर जेल में हम लोगों ने प्रयास किया और मुलाकात कराई तो उस शख्स ने उस लड़के ने जो इन लोगों ने माथे पे निशान और पैर पर निशान जो बताया वो निशान था लेकिन उस लड़के के दाढ़ी बढ़ गई थी, उसके बाल छोटे छोटे थे और वो लगातार कह रहा था कि माता जी मैं आपका बेटा नहीं हूँ। लेकिन उसके परिवार आज भी दावा करता है, वो दलित परिवार आज भी दावा करता है कि वो उनका बेटा है और उसकी डीएनए जांच के लिए हम लोग अब लगातार प्रयासरत हैं। तो साथियों जो इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग इस बात के लिए भी कहते हैं कि पाकिस्तान से लाए जाते हैं आतंकवादी आते हैं, नहीं, बहुत सारे लोगों को यहीं से उठाकर उनको पाकिस्तानी बताकर तमाम जगहों में जेलों में भी डाला गया है। अगर ये खुलासा होता है तो ये एक बड़ी नजीर बनेगा। खैर जो बात हो रही थी कि इस बात को लेकर कि जो पूरा जो टेरर पॉलिटिक्स है, जो पूरा एनकाउंटर पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से किया जा रहा है वह पूरे जो पॉलिटिक्स है उसके मूल में इस बात को लेकर है कि ये जो टेरर पॉलिटिक्स इसके द्वारा ये लोग जो पूरा नेक्सस है इंटेलिजेंस का, सुरक्षा एजेंसियों का, वो इतना हावी हो चुका है कि वो गवर्नमेंट के भी एक पैरलर एक गवर्नमेंट बना रहा है। और जो कि हमारे रिहाई मंच की तरफ से लगातार हम लोगों ने इस बात की डिमांड की है कि आप इंटेलिजेंस एजेंसी को संसद के प्रति जवाबदेह बनाइए। साथियों हम अपने आंदोलन से बात करते हुए आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर 2007 में जब तारिक कासमी को उठाया जाता है और उसके बाद हम लोगों ने इस डिमांड को रखा कि अगर तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं वो अपने डिमांड में अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करें कि अगर वो आते हैं तो वो लोग बेगुनाहों को छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने डिमांड चुनाव घोषणा पत्र में रखा लेकिन उसने एक आदमी को भी नहीं छोड़ा। और इसके बाद 2014 में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को रखा लेकिन जो समाजवादी पार्टी है निश्चित तौर पर 4 सालों के दबाव में वो लगातार वो कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है लेकिन NIA और दिल्ली स्पेशल सेल लगातार गिरफ्तारियां लगातार करती जा रही हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि ये जो एजेंसीज हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही संचालित करती है। नहीं, एजेंसीज का पूरा अगर नक्शा देखा जाए तो आप देखिए पटना की रैली में जब
मोदी गवर्नमेंट, मोदी जब भाषण देते हैं उसके बाद उसमें यूपीए गवर्नमेंट रहती है, लेकिन उसके बाद बनाइए पटना से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और जोधपुर, जयपुर, सीकर से लगातार लड़कों को उठाती है। और जयपुर से जब हम इस बात को जाते हैं, जयपुर में मालूम करते हैं कि वहां पर जिन लड़कों को उठाया गया है, तो अजमेर से एक बात आती है कि अजमेर से एक पाकिस्तानी लड़के को उठाया गया। जब सीसीटीवी फुटेज की बात आती है तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है। ठीक इसी तरह से जब हम लोग उसको देखते हैं तो मालूम चलता है कि उस लड़के को बांग्लादेश में, जिस लड़के को अप्रैल में गिरफ्तारी करने का दावा करते हैं 24 अप्रैल को, उस लड़के को बांग्लादेश में फरवरी में, रॉ ने फरवरी में उठा लिया था और उसके द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए इस पूरे गेम को खेला गया। जो पूरा गेम चल रहा है, ये सीक्रेट एजेंसियों का एक पूरा गेम है, इसमें गवर्नमेंट लगातार इन्वॉल्व है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जब हम इस बात को आए हैं कहने के लिए, आज पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश में जब इनकाउंटर हुआ और मध्य प्रदेश में इनकाउंटर के बाद जब हमने इस बात पर सवाल किया कि ये इनकाउंटर फर्जी है और फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ जब हम लोगों ने धरना देने की बात कही, तो उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर आई और उन्होंने कहा कि वो ये इनकाउंटर के खिलाफ धरना नहीं देने देंगे। बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये इनकाउंटर तो भाजपा की सरकार ने वहां पर हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर नहीं धरना दे देंगे। हमने कहा कि भाई देखिए, ये गांधी जी का स्टेच्यू है, यहाँ पर कम से कम यही तो एक लोकतंत्र बचा है, यहाँ पर तो इसको धरना देने ही दिया जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां से धरना भी शुरू हो रहा था, वहां से उन्होंने मुझे और मेरे दो साथियों को उठाया और ले जाते हुए, मारते हुए, पीटते हुए सिमी के आतंकवादी कहके लेके वो ले गए और रास्ते में मारते पीटते ले गए। और आधे घंटे तक लगातार सिमी का आतंकवादी, पाकिस्तानी, कटुआ, इस तरह की तमाम गालियां देते हुए मारा पीटा गया। और जब हम लोग नारे लगाते रह गए, उसके बाद सर पे चोट दिया और उसके बाद आधे घंटे बाद अचेत हो गए। उसके बाद जब हम लोग छूटने के बाद, जब हम लोग छूटने नहीं, जब याद थोड़ा चेतना में आए, हमने पूछा कि आप हमारा क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट आएंगे, कोतवाल आएंगे। लेकिन कोई कोतवाल, कोई मजिस्ट्रेट नहीं आता है। उसके बाद एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में बैठाकर फिर लखनऊ की सड़कों में घुमाते हुए जाते हैं और हजरतगंज कोतवाली में जाते हैं। तो हजरतगंज कोतवाली में 15-20 बिना वर्दी के, सादी वर्दी में रंगरूट वहां पर खड़े होते हैं और सब एक ही आवाज में कहते हैं, हम दो लोग होते हैं, हम और शकील कुरैशी, हम वो कहते हैं सिमी के आतंकवादी आ गए, सिमी के आतंकवादी आ गए। और जब हम कहते हैं कि आप हमें, हम बेहोशी की हालत में होते हैं, आप हमें कुर्सी दीजिए, वो कुर्सी नहीं देते हैं। उसके बाद कहते हैं चलिए आई पीछे, हम आपको बताते हैं सिमी के आतंकवादी हो। और उसके बाद मेरी हालत खराब हो जाती है, बाद में ट्रामा सेंटर में भेज दिया जाता है। ठीक दूसरे दिन ये घटना हो गई, FIR हो गया। लेकिन ठीक दूसरे दिन देवाशीष पांडे, जो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने इस बात का एक सर्कुलर जारी किया कि उत्तर प्रदेश में गोपाल के सवाल पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी मामला इस तरह से, कोई भी आंदोलन नहीं होगा। हमने दूसरे दिन इस बात की निंदा करते हुए हमने CM से कहा, इस बात को लिखते हुए कि आप कोई कश्मीर या पूर्वोत्तर या इस तरह से कोई स्पेशल पावर एक्ट नहीं है कि यहाँ पर जहाँ पर आप अफस्पा लगाया आपने है, यहाँ पे एक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत कम से कम यहाँ तो हम धरना दे ही सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन आज की खबर है कि आज इन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में 300 सिमी के एक्टिविस्ट है, जिसमें 40 सिमी के एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पे एक्टिव है। और जबकि अखिलेश के बाप के मुलायम की जब सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि कोई उत्तर प्रदेश में कोई सिमी की एक्टिविटी नहीं है। आज जब एक वीडियो वायरल हो जाता है, हमारा फोटो वायरल हो जाता है, तो इस बात को कहा जा रहा है कि सिमी की एक्टिविटी है, सिमी ने इसको वायरल किया है। ये पूरा जो नेक्सस है, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ये एक इस तरह से एक प्लान किया जाता है कि आज हमारे ऊपर
अगर आज सिमी की एक्टिविटी के नाम पर या सिमी को सपोर्ट करने के नाम पर जो एक माहौल बनाया जाएगा और इसके बाद अगली गवर्नमेंट आएगी, खुदा न खास्ता अगर भाजपा गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने ये जो पूरा प्लान है इसके तहत वो रिहाई मंच इस तरह के जिस तरह जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रतिबंधित करने के लिए उनके पास एक आर्गुमेंट हो जाएगा। दोस्तों मैं सवाल करता हूं कि जब ठीक उसी तरह से जिस तरीके से मोदी के में गुजरात मॉडल में जब अक्षरधाम हमला होता है और अक्षरधाम हमले के दौरान इस बात को कहा जाता है कि जो आए थे लोग सऊदी अरेबिया में उसकी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और उसमें दो दो कॉन्स्पिरेसी है, एक सऊदी अरेबिया की बात होती है, एक कश्मीर का पाकिस्तान वाले कश्मीर की बात होती है, इसमें एक हमारी किताब ऑपरेशन अक्षरधाम हमने लिखी भी है, उसमें दो दो कॉन्स्पिरेसियां होती है, उसमें कहा जाता है कि अक्षरधाम का जो पूरा कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके लोग जो गुजरात के पीड़ितों के कैंपों पे आए थे और वहां पे पीड़ितों के कैंपों से मिल करके उन्होंने उस कॉन्स्पिरेसी को रचा और अक्षरधाम पे हमला हुआ और उसमें इस तरह से मुफ्ती अब्दुल कयूम और तमाम लोगों ने इस तरह से किया जिसको 16 तारीख को जिस दिन मोदी को बहुमत मिलती है उसी दिन सुप्रीम कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करती है। ठीक वही बात जब मुजफ्फरनगर में जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो कोई राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में आईएसआई के एजेंट घूम रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो गुजरात में जो होता है वही मुजफ्फरनगर में भी होता है, ये टैक्टिक्स कौन दे रहा है? आखिर में ये जो साइक, ये जो पूरा दिमाग है, ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, ये कौन दे रहा है? मुझे पूरा यकीन है जो अखिलेश यादव जो मुलायम जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं जो 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 उनके पास की बात नहीं है इस कॉन्स्पिरेसी को रचने के लिए, ये इंटेलिजेंस का एक दिमाग है जो उस बात पर भी कहता है जब मुजफ्फरनगर दंगा होता है तो कहता है कि असीम भटकल यहां पर घूम रहा था, ये तमाम इस तरीके से घूम रहे थे। चूंकि सांप्रदायिक दंगों में टेरर कॉन्स्पिरेसी को एक लाने की एक कोशिश है जिसको मुजफ्फरनगर में भी इन लोगों ने किया और उसमें ये लोग एक सफलता हासिल करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत सारे सवालों के बीच में दब गया। मैं इस बात को कहना चाहूंगा जो ये बात होती है कि बेसिकली जो मंडल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जो बहुत सारे लोग नीतीश और लालू जब गठबंधन हो रहा था हमारे बहुत सारे प्रोग्रेसिव साथी आंख फोड़ फोड़ करके फेसबुक व्हाट्सएप पर खूब सारे लेख लिख रहे थे सेकुलरिज्म बचा लेंगे सेकुलरिज्म बचा लेंगे। लेकिन मुझे नीतीश का एक वीडियो याद आता है जब मोदी बगल में खड़ा रहता है और वो कहते हैं कि अरे ये विकास कर रहे हैं और हंसता है। क्या उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो एबीपी पे अभी जो तमाम सीरीज चलाया है एबीपी ने पिछले चुनाव के दौरान उस वीडियो में भी वीडियो है। ठीक इसी तरीके से जब आप सेक्युलरिज्म की बात हो रही है तो आज ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बात पे बात हो रही है कि मायावती बचा लेंगी सेक्युलरिज्म, मुलायम सिंह बचा लेंगे सेक्युलरिज्म और हमारे तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि लालू यादव बहुत सेकुलर है। लेकिन याद करिए कि वो जो भागलपुर दंगा हुआ था, भागलपुर दंगे के बाद जो भागलपुर का कामेश्वर यादव जो मेन दंगाई था मेन एक्यूज था उसको सांप्रदायिक सद्भावना का पुरस्कार किसने दिया था? लालू यादव ने दिया था सांप्रदायिक सद्भावना का पुरस्कार। और लालू यादव उसको समस्तीपुर में रस रोकने के नाम पर आप कितने दिन ढोएंगे इस बात को आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म की बात मैं युवाओं में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के युवा है मैं जो तमाम नई लाट है मैं उस लोगों को भी बात करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आइडेंटिटी का सवाल है, आइडेंटिटी के सवाल को हम नहीं नकार सकते हैं जिस तरीके से मुस्लिम आइडेंटिटी के सवाल को नहीं नकार सकते हैं और उसी तरह से हम किसी दलित और ओबीसी की आइडेंटिटी के सवाल को नहीं नकार सकते हैं। लेकिन हिंदुत्व पॉलिटिक्स की जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी के सवाल को अगर आप भली बात से नहीं परिचित होंगे तो आज जो मंडल निकला है ये मंडल कमंडल की पैदाइश है। ये मंडल कोई उसी कमंडल से निकला हुआ था। और एक बात साफ साफ है आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम तो बीए मात्र किए हैं, एमसीएम से पढ़े हैं, आप लोग बहुत सारे पीएचडी किए छात्र साथी हैं लेकिन जब जाति आधारित राजनीति है उसका धर्म में विलय होना ही है क्योंकि धर्म से ही तो जाति निकली है। इसलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हम बेहस उसका जो सवाल है उन सवालों पे निश्चित रूप से लड़ना होगा। हम किसी भी नकाब के सवाल पर जब 2001 में किसी
किसी हमारी बहन को अमेरिका में जब पहचान किया जाता है उसके बाद पूरे दुनिया में हिजाब डे मनाया जाता है और लखनऊ में भी हिजाब डे मनाया जाता है। हम उस आइडेंटिटी का सम्मान करते हैं। हम इस बात को नहीं कहेंगे कि कोई हिजाब बाल लेने से या फिर कोई कोई अपनी आइडेंटिटी का कोई दलित भाई अपनी आइडेंटिटी की बात करता है तो उसको हम नकार देंगे, लेकिन इस आइडेंटिटी के सवाल को, लेकिन अगर आप एक बेहतर राजनीति की स्थिति में नहीं ले जाएंगे तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स उसको खा जाएगी। आज आप देखिए जो अमित शाह का पूरा 23 दिसंबर को जो पूरी मोदी की रैली होने जा रही है, जो परिवर्तन रैली होने जा रही है, उस परिवर्तन रैली में पहले उत्तर प्रदेश की हर 2 विधानसभा पर पिछड़ों की मीटिंग होने, पिछड़ों की सभा होने जा रही है, क्योंकि उन्हें इस बात को मालूम है कि दलित मायावती के साथ चला जाएगा। मुसलमान अगर वो देखेगा कि इनके जो भारी पड़ेगा उसके साथ जाएगा, लेकिन जो पिछड़ा है उसके साथ कुछ नहीं, वो अभी उसका जो आइडेंटिटी है, जो हिंदुत्व आइडेंटिटी में अगर उसको लेते हैं तो उसको समाहित कर ले जाएगा। खैर, हम यूपी के संदर्भ में बात करते हुए चले गए, लेकिन साथियों हम फिर से जिस बात पे आ रहे थे कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि अब की बार मायावती जी आएंगी और मायावती जी आएंगी अब की बार दंगा नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को देखिए जिस तरीके से हर 10 साल बाद 20 साल बाद पॉलिटिक्स चेंज होती है लगातार, आप लोग दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा और ठीक इसी तरह से पूरे देश में देखा कि जेपी नक्सल बड़ी आंदोलन के बाद, जेपी आंदोलन के बाद, उसके बाद जो मंडल कमीशन का जो पूरा सवाल आया, उसके बाद जो तमाम तरीके से पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, ठीक उसी तरीके से इस दौर में भी एक पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। जिस तरीके से गुजरात के बाद एक नया लॉट आया और उसने इस बात को सवाल किया कि तमाम तरीके से कि हम इससे सवाल को हम नए तरीके से जो हमले हो रहे हैं उसको देखेंगे, ठीक उसी तरह से बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद एक नया यूटर्न हुआ और उस यूटर्न में ये हुआ कि बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद जो पूरा आतंकवाद के नाम पर जो पूरे सवाल थे उस पर प्रमुखता से बात हुई और संसद में तक में बात हुई। आप देखिए कि 2007 के बाद पूरा देश में आतंकवाद के नाम पर एक लंबी डिबेट चल रही है। ठीक इसी तरह से हम कहना चाह रहे हैं इस बात को कि मायावती की दौर में जो पॉलिटिक्स थी वो टेरर, उस समय जो फांसीवादी पॉलिटिक्स थी उसको टेरर पॉलिटिक्स की जरूरत थी और उस टेरर पॉलिटिक्स के जरिए उसने रामपुर में एक जो दारू पीकर जो लोग वहां पर सीआरपीएफ कैंप में आपस में गोलियां चला लिए थे उसको आतंकवादी घटना बता दिया गया कि तारिक और खालिद मुजाहिद को, जिसको तारिक आरडी निमेश कमीशन ने इस बात को कहा है कि वो लोग को गलत तरीके से फंसाया गया, उसमें खालिद मुजाहिद को मार दिया गया। ठीक इसी तरीके से मायावती गवर्नमेंट में जब इस सवाल को हम लोगों ने उठाया था तो तब भी लोग कहते थे, तमाम प्रोग्रेसिव लोग कहते थे कि नहीं कुछ तो धुआं उठ रहा है तो कुछ तो मामला होगा, कुछ इस तरह से जो फिलोसफिकल टर्म है, लेकिन हम लोगों ने इस बात को उसमें निर्णय लिया कि हम कुछ केसेस को लेंगे। रिहाई में से लोग बार बार बात करते हैं कि आप डाटा दीजिए कि कितने लोग फंसे हैं। हम इस बात को कहते हैं कि हम इंडियन डेमोक्रेसी, जो इंडियन स्टेट है वो किस तरीके से फंसा रहा है, हम बहुत सारे सवालों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम कुछ केसेस को लेकर इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो टेरर पॉलिटिक्स हो रही है वो फेक टेरर पॉलिटिक्स है। ठीक इसी तरीके से 21 मई और 22 मई को कहा जाता है कि कुछ लोग बंगाल से और कुछ लोग बिजनौर और तमाम जगहों से आते हैं और उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार जब थी तो आतंकवादी घटना करना चाहते हैं। उस केस को हम लोगों ने लड़ा और हमारे जो रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद सोएब हैं उनके ऊपर उस समय हमला हुआ और उस समय उनको अगस्त महीने में जब वो लोग लखनऊ कचहरी में थे तो उनको आतंकवादी वकील कहके उनको उनके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए, मुंह पर काली पोती गई, सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर में उनको काली और चूना पोत करके कहा गया भारत जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ। मोहम्मद सोएब जिनकी उम्र 54 साल 55 साल थी, हम लोग मोहम्मद सोएब से मेरी मुलाकात यहीं पर हुई, तब हम आईएमसी में पढ़ते थे। आईएमसी में पढ़ने के दौरान
हम लोग उस समय आफ्ताब आलम अंसारी एक केस था जिनको उन्होंने कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे में मुजफ्फरपुर सुरक्षा का सवाल है, माइनॉरिटीज का सुरक्षा का सवाल है, चाहे वो दलितों की सुरक्षा का सवाल है, बुंदेलखंड में पूरा बुंदेलखंड आप देखिए तो जालौन से लेकर जालौन सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में दलित उत्पीड़न का क्षेत्र है और पूरा बुंदेलखंड इसी तरह दलित उत्पीड़न क्षेत्र है। ठीक इसी तरह से मुजफ्फरनगर में आप देखिए तो मुजफ्फरनगर में जो लोग मारे जाते हैं वो लोग निचली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, सल्फी है, रंगरेज है, इस तरह की कम्युनिटीज को लोग मारे जाते हैं। हमारी एक डिमांड है, कर्पूरी ठाकुर ने भी बिहार में इस बात को कहा था कि जो लोग मारे जा रहे हैं, जो इस तरह के सामंती हिंसा में मारे जा रहे हैं उनको लाइसेंसी हथियार मुहैया कराया जाए। तो आखिर में जब स्टेट फेल्ड हो रहा है मुजफ्फरनगर में, जब बुंदेलखंड में स्टेट फेल्ड हो रहा है और अगर स्टेट इस सवाल को नहीं हैंडल कर पा रहा है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी जब स्टेट नहीं ले पा रहा है तो हम इस सवाल को लेकर हम इस बात को कहना चाहेंगे कि आप उनकी सुरक्षा की गारंटी करने के लिए आप उनको लाइसेंस दीजिए, क्योंकि लाइसेंस हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि गोली चलाने लगेंगे, लेकिन इस सामंती सोसाइटी की अगर इस सामंती सोसाइटी में कोई सबर कोई पैसे रुपए वाला अपने पास हथियार रखकर लोगों को डरा सकता है, धमका सकता है, तो अगर आपके पास होगा तो कम से कम एक एक, एक जो हथियार कौन से सोसाइटी होती है उसमें डर और भय का भी काम होता है। तो साथियों ये पूरा जो सवाल है हम इस सवाल को लगातार जिस तरीके से बात हो रही है आज नजीब भाई के सवाल पर यहाँ पर 24 दिन से जो धरना लगातार चल रहा है उस धरने में हम इस बात को लेकर पूरा कॉन्शियस है कि ये जो पूरा सवाल है कि अगर मान लीजिए नजीब गायब हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग डायमेंशन है, लेकिन अगर नजीब गायब हो गया तो आखिर नजीब क्यों गायब हुआ, क्या आखिर में मुसलमान क्यों गायब हो गया। जब अगर हम पकड़े जाते हैं तो सिमी एक्टिविस्ट कहा जाता है, तो सवाल इस बात का है कि जो पूरा सवाल चल रहा है हम अंतिम में इस बात को ले जाना चाहते हैं जो कि आज जो पूरा दौर चल रहा है इंडियन मुजाहिदीन का जो पूरा नेक्सस था उसे आज शिशिर गुप्ता ने जो इंडियन मुजाहिदीन की किताब लिखी उसमें भी उनको लिखना पड़ा कि कुछ लोग मानते हैं कि ये कागजी संगठन था। मलक इर्दर का ओपन सीक्रेट एक किताब है उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि सिमी में 1997 में उन्होंने अपने लोगों को उसमें भर्ती किया था और उसके बाद जो सिमी के तमाम जो केसेस हैं उसमें आप इस बात को देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसमें कोई भी इस तरह का कोई भी मामला अब तक नहीं सामने आया। ठीक ही सही तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान में 48 लड़कों की लगभग गिरफ्तारी ISIS के नाम पर हुई है और 9 लड़कों की गिरफ्तारी संबल में अलकायदा के नाम पर हुई है। साथियों थोड़ा वक्त हो रहा है लेकिन मैं बात अपनी थोड़े समय में पूरी करूंगा। आप एक घटना का जिक्र मैं लास्ट में करते हुए इस बात को कहूंगा कि सिराजुद्दीन को जब 12 दिसंबर या 11 दिसंबर पिछले साल जब गिरफ्तार किया जाता है इंडियन ऑयल का में जो लड़का काम करता है और उसके बाद 16 दिसंबर को जब संबल से एक कबाड़ी आसिफ कबाड़ी जब जफर मसूद को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें एक घटना और चल रही थी। कि अजीत डोभाल लगातार 6-7 महीने 8 महीने से एक था कि वो हेडली के प्रत्यर्पण को लेकर वो कह रहे थे कि हेडली का प्रत्यर्पण करवा लेंगे। हेडली को सब लोग जानते हैं वो ट्रिपल एजेंट डबल एजेंट क्या क्या एजेंट रहा और इसके बाद जब हेडली का प्रत्यर्पण नहीं हो पा रहा था तो जब उसका दिसंबर के फर्स्ट वीक में गाने लगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेडली अब बताएंगे तो हिंदुस्तान की भद पिटने लगी कि एक आतंकवादी के ना एक सामने हिंदुस्तान की सरकार जो कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है ये मोदी सरकार घुटने टेक रही है। तो इन्होंने पूरी बहस को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने सिराजुद्दीन को वहां से पकड़ा और वहीं से संबल से कुछ गिरफ्तारियां की जिसके बाद पूरा एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है जो कि इस एक डिस्कोर्स इसलिए चल रहा है कि सिमी हुजी या फिर इंडिया मुजाहिदीन के नाम पर जो गिरफ्तारियां हुई क्योंकि वो हमारे आसपास के लोगों की गिरफ्तारियां हुई और जैसे हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं वहां पर हमारे क्या एक जबरदस्त आंदोलन हुआ
क्योंकि हम जानते थे कि कोई तारिक कासमी हमारे घर के बगल का है, हम उसको पहचानते थे। लेकिन एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा है एक इंटरनेशनल पर कि हम विद इन इस्लाम बहस करवाएं, अलकायदा और आईएसआईएस की राजनीति के बीच में बहस करवाएं, एक एक जिससे कि जो पूरा यहाँ पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो सिमी और इंडिया मुजाहिदीन के नाम पर सवाल उठाते हैं कि जो पीसी पांडे गुजरात के जेनोसाइड का जो हत्यारा है, जिसने कहा कि भैया आगे से हटा के या माता के इंडिया मुजाहिदीन बना गया, ऐसे जो पूरे कागजी संगठन थे उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, उनसे उससे सवालों से बचने के लिए उन्होंने आईएस और अलकायदा के नाम पर एक जो विद इन इस्लाम जो बहस रची, उसी से विद इन इस्लाम बहस के बीच में ही आप देखिए जब बांग्लादेश में घटना होती है तो जाकिर नायक का नाम लाया जाता है। हम जाकिर नायक की अरुणाजी से इत्तेफाक रखें या ना रखें वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बात को हमको देखना पड़ेगा कि जो ये जो इंटरनेशनल स्तर पर विद इन इस्लाम एक बहस लाकर पूरे टेरर की पूरे एजेंडे को डाइवर्ट किया जा रहा है, और जो यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाला आदमी यह आतंकवादी नहीं था, हम जानते थे कि खालिद मुजाहिद जब मन्नू चाट की भंडार पे चाट खा रहा था तो उसके पास कैसे AK-47 आ गया, या तारिक कासमी जो एक इज्तिमा में जा रहे थे उनके पास हीरोंडा से उनके पास कैसे आ गया, ऐसी तमाम जो भी एविडेंसेस थे उनको ISIS या अलकायदा के नाम पर बड़ी बातों में उलझाकर इस पूरे नेक्सस को ये लोग पूरा एक डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। और हम इस बात को जब दिल्ली में रख रहे हैं इस बात को हम जरूर कहेंगे आप लोगों से इस बात को कि उत्तर प्रदेश में जो भी हम लोग का आंदोलन है छोटा बड़ा आंदोलन है, लेकिन उत्तर प्रदेश पिछले चार साल की सरकार में अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं पड़ पाई, उनकी STF ATF के दफ्तर से कोई एक सिपाही की हिम्मत नहीं कर पाई कि वो किसी भी एक मुसलमान लड़के को आतंकवाद के नाम पर पकड़ सके, लेकिन NIA और दिल्ली स्पेशल सेल जाकर वहां से वो आतंकवाद के नाम पर लड़कों को पकड़ कर लेके चली आती है, और पूरे देश में लगातार ये एजेंसियां लगातार पकड़ के लेके चली आती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो NIA दिल्ली स्पेशल सेल जैसी सेल्स हैं, जो कि आपके पूरे JNU के भी पूरे इस एपिसोड में देखा जाए, चाहे नजीब भाई का सवाल हो या फिर इसके पहले भी पूरा जो उमर खालिद से लेकर जो पूरा 9 फरवरी से लेकर पूरी जो डिबेट चली, उस पूरे सवाल में इन तमाम इन एजेंसियों का जो पूरा गठजोड़ है, इन एजेंसियों के खिलाफ अगर हम सशक्त आवाज नहीं उठाएंगे तो एजेंसियां पूरा जिस तरीके से नेक्सस बना रही हैं, उस नेक्सस में कोई मुलायम मायावती कोई अरविंद केजरीवाल आपको नहीं बचा सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये जो पूरा सवाल है, क्योंकि अगर कोई एक लड़का पकड़ा जाता है 8 साल के लिए 9 साल के लिए चला जाता है तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो सवाल इस, और जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती इस समय है कि ISIS के नाम पर इस बात पर भी लोगों को कम से कम हम लोगों के यहाँ सिमी और हुजी इंडिया मुजाहिदीन के नाम पर जो लड़के बंद थे उनके साथ एक एक मजबूत आंदोलन था, और उस आंदोलन ने लगातार उन पर एक दबाव बनाया कि आप कबूलिएगा नहीं, आपके साथ हम खड़े हैं, आप दबाव में मत आइएगा कि आप आतंकवाद के आप किसी भी नेक्सस में थे। लेकिन जिस तरीके से ISIS के नाम पर अलकायदा के नाम पर मुस्लिम सोसाइटी में डर है, मैं इस बात को कहना चाहूंगा खुले रूप से कि ISIS और अलकायदा पे किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंड आप लाकर दिखा दीजिए, हम रिहाई मंच के सैकड़ों स्टैंड आपको दे देंगे, एक स्टैंड लाकर दिखा दीजिए कि ISIS अलकायदा के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ISIS और अलकायदा के नाम पर अगर आप स्टैंड नहीं करेंगे तो ये लोग ISIS और अलकायदा के नाम पर जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये पूरा एक नया टेरर हब लगातार विस्तार कर रहा है। तो दोस्तों साथियों, आगामी चूंकि बात बड़ी लंबी होती जाएगी, हमारे पास अपने अनुभव भी है, लेकिन इस बात को हम कहना चाहेंगे कि आज इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ 2 तारीख का, इसके बाद कहा कि 40 सिमी एक्यूज्ड उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, और ठीक इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों पे कहा कि ये लोग नक्सल और इस्लामिक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो आज सवाल इस बात का है कि तमाम इस तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं उनके साथ कैसे हम लोग खड़े हों, और जिस दिन हम नजीब भाई की दीदी
और उनकी अम्मी का यहाँ पर सुन रहे थे तो हमें लगा कि हमें इस आंदोलन में आप शामिल होना चाहिए, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना चाहिए, और लेकिन हम तमाम व्यस्तताओं की वजह से नहीं आ पाए और आपने आज यहाँ पर आने का मौका दिया उसके हम शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ ही हम इस बात को भी कहेंगे कि आगामी 2017 का जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, 2014 के चुनाव में भी जिस तरीके से आप देखिए कि टेरर के नाम पर, मोदी की रैलियों के नाम पर तमाम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, उस समय तमाम जितने भी प्रोग्रेसिव तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग चुनाव के समय जब कोई गिरफ्तारी होती है तो कोई बोलने वोलने आता नहीं है, इसके लिए उस समय आपको खुद अपना आंदोलन खड़ा करना पड़ता है, वही बोलता है। इसलिए 2017 का जो पूरा चुनाव है आप देख सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बुरहान वानी का जो सवाल है, कश्मीर का बुरहान वानी का सवाल, सिर्फ कश्मीर का सवाल नहीं वो उत्तर प्रदेश का भी सवाल बना और उत्तर प्रदेश में भी उस पर पोलराइजेशन किया गया, जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी पोलराइजेशन चल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम आपसे इसी बात को कहेंगे कि जिस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश में इनकाउंटर हुआ और हम लोगों ने ठीक इसी तरीके से जब खालिद मुजाहिद का 18 दिसंबर को कस्टोडियल किलिंग हुई, कस्टोडियल किलिंग के बाद हम लोगों ने 19 तारीख को मिट्टी दी और मिट्टी देने के बाद इस बात की शपथ ली कि 22 दिसंबर को बैठे कि जब तक हम आरडी निमेश कमीशन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करवा लेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करवा लेंगे, तब तक हम नहीं उठेंगे। लेकिन हमने उस रिपोर्ट को 121 दिन के तक गर्मी बरसात आने तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाया और इस बात का एक उदाहरण वो निमेश कमीशन की रिपोर्ट हुई कि भारत में मुसलमानों को गलत तरीके से फंसाया जाता है। ठीक इसी तरीके से मैं आप साथियों को सुझाव तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा एक छोटे भाई होने की हैसियत से कि नजीब भाई का जो सवाल है आज 24 दिन नहीं 24 महीने हो जाए, आप लोग बैठना होगा आप लोगों को, आप लोगों क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक नजीब का नहीं है, क्योंकि इस सवाल पे आज अगर इस लड़ाई को आप नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ाई आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंडे में ये नहीं है, क्योंकि वो सभी के सभी इसी हिंदू राष्ट्र के सिपाही हैं। इसी के बाद के साथ मैं आप समाप्त करता हूँ, जय हिंद। हम अपने स्पीकर के शुक्रगुजार हैं इस मीटिंग में आने के लिए। जैसे उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में आने से पहले ये जो फेक इनकाउंटर है उसके खिलाफ जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे किस तरह से उन पर अटैक हुआ है। अब हम अपने दूसरे स्पीकर प्रोफेसर शौर्य